22 तारीख को, आने वाली 22 तारीख को जनता हमें भरपूर समर्थन के साथ जिताकर भेजेगी, और जो पैसे और सत्ता के उसमें घमंड में हैं उन लोगों की जनता धूल चटाएगी। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं प्याला गांव में। यहां से वार्ड नंबर 4 के पार्षद उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह सरपंच, जो कि चुनावी दौरे पर निकले हुए हैं, यहां पर इनको भारी समर्थन मिल रहा है। सैकड़ों युवा इनके साथ हैं, बुजुर्ग इनके साथ हैं। तो आप देख रहे हैं कि सुरेंद्र सिंह सरपंच, जो कि वार्ड नंबर 4 से उम्मीदवार हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं फील्ड में, और सैकड़ों लोग उनके साथ चल रहे हैं। इसकी दोस्तों चुनावी माहौल गर्म है, और इसी चुनावी माहौल में सुरेंद्र सिंह सरपंच हैं, जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं और वार्ड नंबर 4 से पार्षद पद के उम्मीदवार हैं। आज इनसे बात करते हैं कि लोगों का कैसा प्यार मिल रहा है। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्ते जी। सुरेंद्र जी गांव प्याला में आए हुए हैं, कैसा आज चुनावी दौरा चल रहा है आपका, तो क्या कहना चाहते हैं? चुनावी दौरा चल रहा है, जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है जी। गांव प्याले के लोगों ने जो हमें भरपूर समर्थन और प्यार दिया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गांव प्याले की जनता के लिए। और जो अब तक गांव प्याला या इस वार्ड में जो भी विकास कार्य रुके हुए हैं, भगवान ने कोई समय दिया तो हम उन विकास कार्यों को पूरा करेंगे और अपनी तरफ से मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सुरेंद्र जी बड़ा क्षेत्र है और काफ़ी दिन अभी चुनाव में बचे हैं, तो जनता से क्या क्या लोग मुद्दे को लेकर बीच में जा रहे हैं? मुद्दा शिक्षा की ओर से मैं MABED हूं, तो मुझे शिक्षा के बारे में पूरी जानकारी है, तो मैं केवल शिक्षा पर ध्यान दूंगा। मैंने पहले भी कहा है, पिछले गांव खनावली में कहा था कि भाई जो है शिक्षा की तरफ इन लोगों का किसी का भी ध्यान नहीं है, सरकार का भी ध्यान नहीं है। शिक्षा की तरफ से जो भी टीचर हैं वो यहाँ से ट्रांसफ़र करा के चले गए। हमारे वार्ड में प्रत्येक स्कूल में केवल 2 या 3 शिक्षक मिलते हैं, बाकी शिक्षक ही नहीं है। और दूसरा, एक रोड ख़राब होने के कारण भी इस गांव में तो खास तौर से शिक्षक आने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हम शिक्षा की तरफ से जो भी हमें मौका मिला तो हम विकास की तरफ पूरा ध्यान देंगे और शिक्षा की तरफ पूरा ध्यान देंगे। सुरेंद्र सरपंच, सुरेंद्र जी युवा का भी साथ मिल रहा है और बुजुर्ग भी आपके साथ देखने को मिल रहे हैं, और आज आपने खंदावली का भी दौरा किया, आज प्याला में आए हैं, तो प्याला की जो जनता है वो 22 तारीख को वोटिंग हो रही है, तो क्या क्या उम्मीद लगाते हैं? वोटिंग करेगी जनता हमारे समर्थन में, प्याला की जनता हमारे समर्थन में वोटिंग करेगी। 22 तारीख को, आने वाली 22 तारीख को जनता हमें भरपूर समर्थन के साथ जिताकर भेजेगी, और जो पैसे और सत्ता के उसमें घमंड में हैं उन लोगों की जनता धूल चटाएगी। सुरेंद्र जी 22 उम्मीदवार मैदान में है वार्ड नंबर 4 से, तो क्या लगता है मुकाबला बड़ा कड़ा है, किससे मुकाबला मानोगे? हमारा मुकाबला किसी से नहीं, और जनता का जो समर्थन और भरपूर प्यार मिल रहा है वही निर्णय करेगी और वही हमें जिताकर भेजेगी।
तो ये थे सुरेंद्र सरपंच जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में वार्ड नंबर 4 में, और वार्ड नंबर 4 जो कि हॉट सीट है और रिजर्व है, और जो यहाँ से जीतेगा वो यहाँ से चेयरमैन बनकर जाएगा। अब देखना ये होगा कि 22 तारीख को जनता सुरेंद्र जी को कितना आशीर्वाद देती है। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए BSNS न्यूज़ पर। धन्यवाद।